करनाल रेलवे स्टेशन पर ओवरलोड ट्रकों का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय ट्रक यूनियन के ट्रक चालकों ने इसका विरोध करते हुए रेलवे स्टेशन पर कई ओवरलोडेड गाड़ियों को रोका। वहीं ओवरलोड गाड़ियों को रोके जाने से ओवरलोड ट्रक चालकों और स्थानीय ट्रक यूनियन के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। स्थानीय ट्रक यूनियन के ट्रक चालकों ने आरटीए विभाग और रेलवे विभाग की मिलीभगत से सड़कों पर ओवरलोडिंग ट्रकों के चलने का आरोप लगाया है। गाड़ियां देखो मजबूरी में रोकी हैं, सारे ट्रांसपोर्टर हैं, सिंगल मोटर वाले हैं, जिनकी एक एक दो दो गाड़ियां हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनको बच्चे पालने अपने मुश्किल हो गए हैं। जो बड़े हैं वो तो बड़े हो जा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, जो एक एक गाड़ी वाले हैं उनकी रोटी भी नहीं चल रही। तो गाड़ियाँ किन की खड़ी हैं, ओवरलोड खड़ी हैं जो ये? ये यहाँ जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ती हैं गैर कानूनी तरीके से खड़ती हैं, जब ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़नी चाहिए रेलवे स्टेशन पे। तो किन की गाड़ियाँ हैं ये? ठेकेदारों की है, कुछ यहाँ के लोगों की है। तो इनमें ओवरलोड माल है? ओवरलोड माल है, ये ओवरलोडिंग डलाते हैं माल कम रेट पे। तो क्या टेंडर है ज्यादा? आपने इसकी विभाग में शिकायत की है? विभाग में शिकायत की है कई बार, ओवरलोडिंग बंद कराई जाए। तो आरटीए विभाग की तरफ से कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। इंडिया एक्सप्रेस के लिए इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।